Hey, this is Kapildev Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This is the 10th video of pronoun. और अभी तक के videos में हमने pronoun का introduction, personal pronouns, जिसमें कि I और we, you and you, he, she, it and they, then demonstrative pronouns, this, that, these, those, such, one, then interrogative pronouns, who, whom, which, whose, what, ना कि when, where, how many, how much and why, because these are adverbs. I hope you remember. और पिछले दो वीडियोस में यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जिसमें के हु और हुम और लास्ट वीडियो में विच का यूज शेयर किया था. एक बार क्विकली रिकॉल बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन आपस में रिलेट ही करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की डिपेंडेंसी किसी के बाद आती है किसी की किसी के पहले आती है. ये बात कहने से पहले फिर एक बात कहना चाहूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस को इंग्लिश का फाउंडेशन माना जाता है प्लीज बिकॉज हमारे एग्जाम्स लिखकर नहीं देते कि वो क्लॉज पूछते हैं लेकिन सेंटेंस में क्लॉज पर क्लॉज ऐड किए जाते हैं. जब हम तीन तीन लाइन के सेंटेंस पढ़ते हैं चाहे वो एरर डिटेक्शन में हो चाहे वो रिलेटिव एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो तो वहां पर जरूर इनका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज आरसी लिखते वक्त आरसी अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट लिखते वक्त और पैराजंबल्स को रीअरेंज करते वक्त इनका बहुत सहयोग मिलता है हमें. तो प्लीज ध्यान रखें यूज ऑफ हु सब्जेक्टिव केस जैसा मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया सब्जेक्टिव केस में इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल करें द बॉय हु. ऑब्जेक्टिव केस में इंसानों के लिए हुम का इस्तेमाल करें जिसे मैंने बुलाया था द बॉय हुम आई इन्वाइटेड. विच का इस्तेमाल नॉर्मली नॉन लिविंग्स जानवर ऑब्जेक्ट और थिंग्स के लिए करते हैं द बुक विच सिमिलरली द डॉग विच. और लास्ट वीडियो के लास्ट में शेयर किया इनमें से कौन से खिलाड़ी ने तो इनमें से कौन सा विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्लेयर्स इनमें से कौन से एक्टर ने विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स ईटीसी. हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस इंसानों के लिए हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस इंसानों के लिए विच का प्रयोग नॉन लिविंग्स के लिए या फिर एनिमल्स और ऑब्जेक्ट और थिंग्स के लिए लेकिन चॉइस के केस में इंसानों के लिए भी किया जाता है. ओके ऑल इज डन. मूविंग फॉरवर्ड अगर मुझे नाउन की बात करनी थी तो जब मैंने नाउन पढ़ी मैंने नाउन के कुछ केसेस पढ़े कॉमन सेंस रोहन लिव्स देयर रोहन यहां पर सब्जेक्ट है आई कॉल्ड रोहन रोहन यहां पर ऑब्जेक्ट है बिकॉज आई सब्जेक्ट है कॉल एक वर्ब है वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं तो रोहन को मैंने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया रोहन को मैंने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जो हमने इनके बारे में पढ़ा हु और हुम और विच. कई बार यह भी तो होता है रोहन की कार वहां खड़ी है रोहन का परिवार यहीं पर रहता है रोहन का मकान यही तो है. अब यहां पर रोहन्स फैमिली रोहन्स कार रोहन्स पेन रोहन्स मिस्टेक यहां पर रोहन ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है उसका हक दिखाया गया है उसका पोजीशन दिखाया गया है उसकी ओनरशिप दिखाई गई है. तो नाउन में तो हम अपोस्ट्रफी एस लगा के उसका पोजीशन दिखा देते हैं. आई होप यू रिमेंबर नाउन के साथ अपोस्ट्रफी एस का केस रवीज मिस्टेक रोहन्स फैमिली अ टीचर्स लाइफ एंड एक्टर्स एक्टिंग जो भी आप कहना चाहें तो नाउन में हम अपोस्ट्रफी एस लगाकर उसका हक किसी वस्तु पर दिखा सकते हैं. प्रोनाउन में कहां अपोस्ट्रफी एस लगाएंगे तो एक बार फिर से कहना चाहूं जब मैंने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ाए थे अगर आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा वो वीडियो. प्रोनाउंस में बेसिकली अपोस्ट्रफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता. मेरे शब्द यूं हैं बिकॉज ये 10th वीडियो है अगर आपको किसी भी चीज की डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. मुझे याद है आपको भी याद होगा जनरल तौर पर पर्सनल प्रोनाउंस के केस ये बनते हैं आई मी माय और माइन यू यू योर एंड योर्स सिमिलरली वी अस आवर एंड आवर्स. आपको याद है आवर्स की स्पेलिंग में ओ यू आर अपोस्ट्रफी एस आता था बिल्कुल नहीं ओ यू आर एस प्रोनाउंस अपोस्ट्रफी नहीं लेते हैं. क्या हमें योर की स्पेलिंग में वाई ओ यू आर एस लिखते वक्त अपोस्ट्रफी लगाते थे जी बिल्कुल नहीं योर्स डायरेक्टली लिखा जाता है. तो प्लीज यहां भी ध्यान रखिएगा पोजिशन दिखाने के लिए इंग्लिश में हुज का इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू एच ओ एस ई. आई रिपीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिखाना है मुझे जब पोजिशन दिखाना होगा तो वहां पर डब्ल्यू एच ओ एस ई हुज का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स वो लड़का जिसके माँ बाप द बॉय ना के हु पेरेंट्स ना हुम पेरेंट्स ना विच पेरेंट्स लेकिन हाँ द बॉय हुज पेरेंट्स वो लड़का जिसके माँ बाप वो लड़की जिसका परिवार द गर्ल हु फैमिली द गर्ल हुम फैमिली ना द गर्ल विच फैमिली लेकिन हाँ द गर्ल हुज फैमिली यू हैव टू से.
वो आदमी जिसका पर्स चोरी हुआ था, द पर्सन हु पर्स, द पर्सन हुम पर्स, द पर्सन विच पर्स ना होकर शायद द पर्सन हुज पर्स आप कह सकते हैं। मुझे तो मैथमेटिक्स याद आ जाती है, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं ये कहा जाता है, वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं ये कहा जाता है, अ ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल, यू रिमेंबर द ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स, द सन हुज रेज, सूरज वो चीज है, सूरज वो एक स्टार है जिसकी किरणें हमें ये सब कुछ देती हैं। तो जनरल तौर पर जब भी हमें पोजिशन दिखाना हो तो इंग्लिश के पास रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए एकमात्र शब्द हुज मौजूद है। आई होप सो मैंने इसकी थीम क्लियर की हो। आइए देखते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले एक चीज कहना चाहूं, प्लीज समझिएगा, हुज का इस्तेमाल फॉर्मल इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए किया जाता है। आई रिपीट, हुज का इस्तेमाल फॉर्मल इंग्लिश में यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कॉम्पिटिशन और फॉर्मल इंग्लिश में, द हाउस हुज गार्डन, वो घर जिसका गार्डन, हाउस को इंसान नहीं है, इसका हम पोजिशन नहीं दिखा पाएंगे। आई रिपीट, अगर मैं कहना चाहूं द डॉग हुज कलर, डॉग इंसान नहीं है, सो द डॉग हुज कलर कहना फॉर्मल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में गलत होगा। फिर इनको कैसे लिखें तो मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगा। मैं इसको हिंट के तौर पर समझाना आपको चाहूं कि मुझे याद है मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा कि इंसानों के लिए हु और हुम यूज करते हैं, इस वीडियो में कई बार कहा, नॉन लिविंग्स के साथ तो विच आता है ना, और जो आपको शुरुआत में कहा कि हु डब्ल्यू एच ओ का पॉजिटिव केस हुज बनता है, डब्ल्यू एच ओ एस ई, और हु का यूज किसके लिए करते थे, तो हु तो इंसानों के लिए आता था, नॉन लिविंग्स के लिए हु आता ही नहीं है, इसीलिए नॉन लिविंग्स के साथ फॉर्मल इंग्लिश हुज को अलाउ नहीं करती है। एडवांस्ड पार्ट बात की बात है। आइए देखते हैं यूज ऑफ पॉजिटिव केस एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हुज। आइए नजर डालते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर यूज ऑफ हुज इन टर्म्स ऑफ पोजिशन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। Here I come. So the very first one, this is the boy dash father lives in London. मैं तो अभी भी कहना चाहूंगा आप यहां पर सारे पुराने प्रोनाउन रखकर देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर पाते हैं तो वो सही है, नए किसी प्रोनाउन को ही हमें कोई जरूरत नहीं होगी। जरा चेक करते हैं, this is the boy, ये वो लड़का है, dash father lives in London। आगे मुझे नहीं पता चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मेरा फोकस इंग्लिश पर रहेगा ना कि हिंदी के शब्दों पर, जिसे जिसने जिसको, हालांकि नेचुरली जो होगा वो वही टंग में आ जाता है। आई रिपीट, दिस इज द बॉय ब्लैंक स्पेस फादर लिव्स इन लंडन। आपको क्या लगता है, दिस इज द बॉय हु फादर लिव्स इन लंडन, गलत लगेगा। दिस इज द बॉय हुम फादर लिव्स इन लंडन, गलत होगा, सुनने में गलत है, ग्रामेटिकली देख लीजिएगा। दिस इज द बॉय हु फादर, हु खुद एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन के बगल में नहीं आते हैं, फादर भी लिखा है, हु भी लिखा हुआ है, दोनों कभी साथ नहीं आएंगे। लिव्स यहां पर वर्ब है, किसके लिए, तो फादर के लिए, तो हु की वर्ब कहां पर है, माफी चाहूंगा, हु यहां नहीं आ सकता, ग्रामेटिकली लॉजिकली और सुनने में भी। चलिए हुम यूज कर लेते हैं, तो हुम किसी का ऑब्जेक्ट होता है, कोई काम किया होगा उसके ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा, वो लड़का जिसके माँ बाप लंदन में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहां कौन सा काम हुआ, तो यहां हुम का केस नहीं बचता। लड़के के लिए मैं विच का इस्तेमाल कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर दिख रहा होगा यहां पर उस लड़के के पिता की बात की गई है। आई रिपीट, द बॉय ब्लैंक स्पेस फादर, साफ साफ नहीं दिख रहा, लड़के के पिता की बात की गई है, लड़के के पिता, अगर यहां प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती तो कॉमन सेंस से सिखा रहा हूं, प्लीज समझिएगा, मैं डायरेक्टली यहां अपोस्ट्रोफीस लगा दूं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, द बॉयज फादर लिव्स इन लंडन। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कहा, वापस कहा, यहां दो क्लॉज से सेंटेंस बनता है, एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज भी है दिस इज द बॉय, जहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट वगैरह सब है, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो मैं एक सेंटेंस में नहीं ट्रांसलेट कर सकता, बट दोनों को हटाकर खुद के समझने के लिए देखना चाहूं कि क्या लिटरली यहां पर पोजिशन है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी द बॉय फादर, उस लड़के के पिता, द बॉयज फादर, और बॉयज फादर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो बॉय के लिए क्या आएगा, हु आएगा, और पोजिशन दिखाने के लिए क्या आ जाएगा, आपको लिखना होगा हुज फादर, हिंदी के हिसाब से भी, वो लड़का जो माता पिता, जिसे माता पिता, जिसे माता पिता ना होकर जिसके माता पिता या पिता लंदन में रहते हैं वो मेरा दोस्त है, कुछ ऐसा ही। सो ये वो लड़का है, दिस इज द बॉय जिसके पिता लंदन में रहते हैं, द बॉय
whose father lives in London. I repeat, boy यहाँ subject नहीं है, कोई काम boy ने नहीं किया. Boy यहाँ object नहीं है, किसी का काम उस boy के ऊपर नहीं आ रहा. Boy के लिए which तो आ ही नहीं सकता. हाँ, choice में आ सकता था, choice यहाँ दिखाई नहीं गई है, तो यहाँ पर which का भी column नहीं बनता. लेकिन हाँ, उस लड़के के हक की बात की गई है, उसकी कोई वस्तु हो सकती है, उसका परिवार, माँ बाप, कुछ भी रहेगा. द बॉय के बारे में, द बॉय के फादर के बारे में बात की गई है. इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वी हैव टू से किसके पिता, उस लड़के के. सो द बॉय हूज फादर, पोजेसिव केस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. सिमिलरली द बॉय डैश फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स यू इज माई फ्रेंड. वो लड़का जो माता पिता, जिसे माता पिता, कुछ ऐसा हिंदी में बोलना चाहें, या जिसके माता पिता आपकी हमेशा मदद करते हैं, मेरा दोस्त है. तो इस केस में वापस वेरिएशन रखूंगा. द बॉय सब्जेक्ट नहीं है, और अगर हु लिखूंगा तो द बॉय हु फैमिली ना, द बॉय हुम फैमिली ना, द बॉय विच मैं लिख नहीं पाऊंगा. तो मेरा टर्म क्या रहेगा, वो लड़का जिसका परिवार, उस लड़के के परिवार की बात की जा रही है. ऑब्वियसली आपने उसका पोजिशन दिखाया है, और पोजिशन है तो वहां पर आप आंसर हुज रखिएगा. मैंने तो ब्लैंक स्पेस रखा है, आपको हु लगे, हुम लगे, विच लगे, कोई और भी शब्द लगे तो रखकर देख लीजिएगा. इस केस में आपका वर्जन वापस रहेगा, द बॉय हुज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स यू इज माई फ्रेंड. आई रिपीट, उस लड़के का परिवार जो हमेशा आपकी मदद करता है, मेरा दोस्त है. तो यहाँ लड़के के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने की बात नहीं है, चॉइस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसका हक किसी चीज पर बताया गया है. उसका परिवार, उसका पोजिशन, उसकी ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको वहां पर हुज का इस्तेमाल करना होगा. एक बात कहना चाहूं, कई लोगों को डाउट आती है, अभी ना अभी कहीं ना कहीं तो मार्क हो जाते हैं, यार ये यू के साथ आपने इज लिखा है, यू इज, तो कई लोगों को दिख रहा होगा. नहीं, जिनको दिख रहा है प्लीज आप मेरी तरफ से समझ लीजिएगा, जो हमें हर वीडियो में कहता हूं कि चूंकि मेरे पास तो हेडिंग लिखी है रिलेटिव प्रोनाउंस. आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से, आपको पता है यहां पर क्या चल रहा है. एग्जाम में हेडिंग लिखकर नहीं आती, रिलेटिव प्रोनाउंस की गलती बताइएगा. तो मैंने हर बार कहा, गलती कोई भी आ सकती है, आप हर चीज के लिए तैयार रहें. तो ये यू के साथ में इज लिखना हमें गलत लग रहा होगा, मैं कहूंगा सही है, कई लोगों को मार्क भी होगा. जिनको नहीं है आप जरा देखिए, हर बार कहा दो क्लॉज बनते हैं. द फर्स्ट क्लॉज इज द बॉय इज माई फ्रेंड. ये इज यू के लिए नहीं है, ये यू तो किसी का ऑब्जेक्ट है. यू के पहले क्या लिखा है, सपोर्ट्स, और सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक वर्ब है, उसके पहले सब्जेक्ट भी होना चाहिए. फैमिली ऑलवेज को एडवर्ब हटा दीजिएगा. जरा ऐसे देखते हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है. द बॉय इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है. कौन सा लड़का, जिसकी फैमिली हमेशा आपका सपोर्ट करती है, हुज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स यू. तो हुज फैमिली सब्जेक्ट, ऑलवेज को हटा दीजिए, एडवर्ब है, हमेशा, सपोर्ट्स यू, आपका सपोर्ट करती है. तो आप यहां सब्जेक्ट नहीं है, क्या आपको वर्ब मेंशन की जाए, जो इज है वो बॉय के लिए है, और इसमें सपोर्ट जो वर्ब है उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्ट हैं. तो प्लीज ऐसा एग्जाम में कभी मत कीजिएगा, या खुद के लिए भी, कि यू के बगल में इज देखना ही गुनाह है. क्या पता वो उसके साथ है भी या नहीं भी, वो किसी और का हो सकता है, यू तो किसी का ऑब्जेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड. The boy whose father, जिसके माता पिता, the boy whose family, जिसका परिवार, etc. फिर से देखें, Rima is the girl, Rima वो लड़की है, dash parents are poor, dash माता पिता गरीब हैं. तो Rima वो लड़की है जो माता पिता गरीब हैं, Rima वो लड़की है जिसे माता पिता गरीब हैं, Rima के लिए मैं which लगा नहीं सकता. ऑल इन ऑल उसके पोजिशन की बात की गई है, तो उसके पोजिशन के लिए उसके माता पिता हैं, उस लड़की के माता पिता हैं, यानी उसका हक है. और पोजेसिव केस में एक ही प्रोनाउन हुज इस्तेमाल किया जाता है. तो शी इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर. आई रिपीट, शी इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर, बिकॉज उस लड़की के माता पिता की बात की गई है. जरा और एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है. आई हैव अ डॉग, डैश नेम इज टॉमी, जिसका नाम टॉमी भी है. तो आई हैव अ डॉग, डैश नेम इज टॉमी. डॉग के लिए हु लगा दूं, शायद डॉग के लिए हु तो नहीं आएगा, डॉग के लिए हुम भी नहीं आ सकता, डॉग के लिए विच आ सकता था, बट वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में आता. यहां पर मैंने उसका हक दिखाया है, उस कुत्ते का नाम टॉमी है. आई रिपीट, उसका नाम टॉमी है, उसके किसी चीज की बात की जा रही है, उसका नाम, उसका कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी जो भी चीज आप कहना चाहें, हाइट है, ये चीज है. तो द डॉग नेम, अगर मैं यहां पर प्रोनाउन को हटा दूं तो डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकता, द डॉग्स नेम,
उस कुत्ते का नाम टॉमी है और हक दिखाने के लिए वापस आपका प्रोनाउन हुज रहेगा। कई लोगों के मन में डाउट होगी, अभी आपने मना किया था डॉग के लिए नहीं आता, आई विल रिमार्क क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एक बार एग्जांपल्स को फुलफिल करना चाहूं, क्योंकि भाषा सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए काम नहीं आती, अखबार मैगजीन्स में सिर्फ वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं चलती, रियल लाइफ में भी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस उस एग्जामिनेशन की इंग्लिश से कहीं ज्यादा है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। एग्जामिनेशन तो हम लोग 4-6 महीने में क्वालिफाई करके छोड़ भी देंगे। सिमिलरली अ ट्राइंगल डैश थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैथमेटिक्स की याद दिलाता है, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद था टू बी ऑनेस्टली। अ ट्राइंगल डैश थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जो तीनों साइड, जिसे तीनों साइड या जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे ये ट्राइंगल कहा जाता है। तो वो ट्राइंगल जिसकी साइड्स, जिसकी दोनों साइड, जिसकी तीनों साइड, जिसकी पांचों साइड्स, व्हाटएवर, लेकिन उसकी साइड्स की बात तो की है, तो आपको वापस यहां पर उसका हक दिखाने के लिए हुज ही इस्तेमाल करना होगा। आई रिपीट, अ ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई रिपीट, उसके बाद कंक्लूजन कहना चाहूं कि वो लड़का जिसके पिता हक था उसका पिताजी उसी के हैं, इसीलिए हुज का इस्तेमाल किया, लड़का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो लड़का जिसका परिवार उसका हक था, परिवार है उसका, किसी चीज की बात की गई है, आप हुज का इस्तेमाल करें, पोजेशन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। रीमा वो लड़की है जिसके माता पिता, तो रीमा उस लड़की के माता पिता, पोजेशन है, हुज का इस्तेमाल कीजिएगा। उस डॉग का नाम, उस डॉग का कलर, उस डॉग की हाइट ईटीसी, का शरीर, पोजीशन की बात की जा रही है, उसी के बारे में किसी और चीज का हक दिखाया गया है, ओनरशिप दिखाई गई है, आप यहां पर हुज का इस्तेमाल करें। सिमिलरली द ट्राइंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इनके साथ हमेशा हुज का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मैं इसको फिनिश करने से पहले कि आप स्क्रीनशॉट लें ईटीसी हट जाऊंगा, बट एक चीज सुनिएगा, इंग्लिश वहां तक सीमित नहीं है जितना हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वो वेरी फॉर्मल स्टाइल है। आई रिपीट, वो वेरी फॉर्मल स्टाइल है, फॉर्मल स्टाइल है, जबकि अखबारों में बोलचाल की भाषा में हम लोग आजकल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं पहले क्लियर करना चाहूं कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत माने जाएंगे। अगर आप फॉर्मल स्टाइल देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो नीचे के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? डॉग क्या है? एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग साइंस वाला नहीं, नॉन ह्यूमन बीइंग इंग्लिश के लिए, बिकॉज हम जानते हैं डॉग्स को हम जेंडर नहीं देते, नाउन हमने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं जरा वीडियोज रेफर कीजिएगा। डॉग के साथ हम लोग हु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉमन सेंस की लाइन है। और हुज किससे बना है, जरा इसमें से एस को छुपा लीजिएगा, ऐसी एस पोजिशन दिखाने के लिए, ये हु का डेरिवेटिव है, विच का डेरिवेटिव नहीं है, और डॉग के साथ तो हु ही नहीं आता, तो हुज कैसे आ सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्शन क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, अखबारों, मैगजीन और नोवेल्स की लैंग्वेज में, आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में जायज है, तो इसको वहां करेक्शन मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल लिखे। अब जिन लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न फॉलो कीजिए, जिनको डेली लाइफ के लिए पढ़ना है, आपके लिए स्टेटमेंट नो एरर है। सिमिलरली द ट्राइंगल हुज, हु से हुज बना है, हु का यूज इंसानों के लिए करते हैं, ट्राइंगल कोई इंसान नहीं है, तो ना ही ट्राइंगल के लिए हु आ सकता इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल इंग्लिश, और ना ही उससे बना हुआ हुज आ सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, डेली लाइफ में ये चीज सही है, बिकॉज नॉन लिविंग्स के लिए पॉजिटिव केस में हुज ही आता है। फिर एग्जाम्स में इन दोनों स्टेटमेंट्स को या ऐसे किसी और लाइन को सही कैसे करें, तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले आप इन्हें नोट कर सकते हैं इफ यू विश टू। आइए नजर डालते हैं उन सेंटेंसेस पर जिनको लास्ट स्लाइड में इनकरेक्ट और करेक्ट कहा गया था। So the very first one is the dog whose name was Tommy, आगे जो भी मैंने मार्क किया हो उसके लिए, the dog whose name was Tommy। मैं वापस कहना चाहूंगा ये सेंटेंस नो एरर है इन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश या फिर इनफॉर्मल स्टाइल में। आई रिपीट, आजकल की भाषा में ये स्टेटमेंट नो एरर है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। द डॉग हुज नेम, जिसका नाम टॉमी था, वो यहां रहता है, वहां रहता है, ई टी सी। बट
when it comes to examination point of view, when it comes to formal English, हमारे exams की बात करना चाहें तो dog एक non-living है और non-living के लिए who या उसके किसी भी शब्द का इस्तेमाल करना गलत माना जाएगा. तो इसको rephrase करके लिखा जा सकता है, ये sentence गलत माना जाएगा, यहाँ पर whose name ना लिखें. तो फिर correction क्या होगा, तो साफ लिखिएगा the dog, वो dog. मुझे याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक सेकेंड, नाउन में जब पढ़ाया था या आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, मैंने मार्क किया है इस बात को कि नॉन लिविंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता. तो टेबल्स लेग गलत था, डोर्स लॉक गलत था, हाउसेस रूफ गलत था. लिखते क्या थे, तो मुझे याद है शायद आपको एक बात याद आए, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, चाइनाज ग्रेट वॉल ना लिखकर चाइनाज ग्रेट वॉल ना लिखकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लिखा जाता है. टेबल्स लेग ना लिखकर द लेग ऑफ द टेबल लिखा जाता है. हाउसेज रूफ ना लिखकर द रूफ ऑफ द हाउस लिखा जा सकता है. इंडियाज पॉपुलेशन को द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिखा जा सकता है. तो वही काम कर लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफी नहीं लगती. तो आई रिपीट, द डॉग हूज नेम गलत हो जाएगा इनफॉर्मल इंग्लिश, बोलचाल की भाषा में सही है. तो आप लिख दीजिएगा द डॉग हूज नेम गलत है. सो द डॉग द नेम ऑफ विच, नई चीजें समझने में थोड़ा वक्त लेती हैं, मेहनत कीजिएगा शायद बन जाएगी, मेरा साथ दीजिए. द डॉग हूज नेम गलत है. सो द डॉग द नेम ऑफ विच, विच किसके लिए लगाए, डॉग के लिए, जिसका नाम, द नेम ऑफ विच या फिर इन शॉर्ट हूज नेम वॉज टॉमी, ऐसा वैसा जो भी उसके लिए आगे मार्क्ड है. आई रिपीट, द डॉग हूज नेम को लिखा जा सकता है द नेम ऑफ विच. ग्रामर तो यहां भी सही है लेकिन वो इनफॉर्मल स्टाइल में है, ये फॉर्मल स्टाइल में है, आजकल की भाषा में दोनों सही है. आई रिपीट, द डॉग हूज नेम के बदले द नेम ऑफ द डॉग, आई रिपीट द नेम ऑफ द डॉग, और दो बार डॉग नहीं लिखना, उसी से तो रिलेट करना है. तो उस डॉग के लिए मैंने क्या लिख दिया, विच लिख दिया. नहीं समझ आया, दोबारा देखते हैं. अ ट्राइंगल Whose three sides are equal? मैं तो अभी भी कहना चाहूंगा आजकल की भाषा में इनफॉर्मल केस में ये बात सही है, ये सेंटेंस इनफॉर्मल इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है. लेकिन हाँ, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ट्राइंगल के बगल में whose लिखना गलत माना जाएगा. फिर क्या करें, तो टेबल्स लेग गलत है, लेग ऑफ द टेबल, चाइनाज ग्रेट वॉल गलत है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मार्क कर लीजिए. अ ट्राइंगल हूज थ्री साइड्स, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, अ ट्राइंगल, शायद आप मुझे मार्क करें, अ ट्राइंगल हूज तो नहीं आ सकता, सो मैं ये लिख सकता हूं द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. और ट्राइंगल को दो बार ना लिखकर रिलेटिव प्रोनाउन विच इस्तेमाल कर लीजिएगा. तो द ट्राइंगल हूज थ्री साइड्स को लिखा जा सकता है, अ ट्राइंगल द थ्री साइड्स ऑफ विच, द थ्री साइड्स ऑफ विच, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, आर इक्वल, ऐसा ऐसा जो भी उसके लिए आगे सेंटेंस है. मैं सहमत हूं शायद आपको एकदम से ना समझ में आए, पर ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में चीजें आती हैं. सो अ ट्राइंगल हूज थ्री साइड्स आर इक्वल कैन बी रिटन एज अ ट्राइंगल द थ्री साइड्स ऑफ विच आर इक्वल, ऐसा ऐसा है जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, हूज थ्री साइड्स, या द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. और ट्राइंगल को दोबारा रिपीट ना करते हुए उसकी जगह पर विच लिख दिया है. आई रिपीट, एक और बार देखते हैं, अ हाउस हूज वॉल्स आर पेंटेड लुक्स ब्यूटिफुल, वो घर जिसकी दीवारें पेंटेड हों तो बहुत सुंदर लगता है. फिर से कहना चाहूंगा इनफॉर्मल इंग्लिश में सही है, बोलचाल की भाषा में, मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे गलत है बिकॉज हाउस एक नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हु का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसके साथ फिर हूज का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता. तो ठीक है, फिर से ऑफ घुमाकर लिख लेते हैं. सो इट कैन बी रिटन एज अ हाउस वॉल्स आर पेंटेड, वॉल किसकी, इसी घर की, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अ हाउस द वॉल्स ऑफ, अब हाउस के लिए हु तो लगाऊंगा नहीं, हुम तो लगाऊंगा नहीं, विच आ जाएगा, द हाउस द वॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड लुक्स ब्यूटिफुल. आई रिपीट, हूज वॉल्स को लिखा जा सकता है, हूज वॉल्स को लिखा जा सकता है द वॉल्स ऑफ विच, क्योंकि हूज नहीं आएगा प्रपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्टिव केस में विच का इस्तेमाल कीजिएगा. आशा करता हूं क्लियर हो, नहीं है तो आप प्लीज वापस सुन लीजिएगा. एक और एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, द मशीन, वो मशीन जिसकी कॉस्ट महंगी है, वो ऐसी है वैसी है, द मशीन
whose cost is high, तो फिर से वही terms हैं. Informal language, this is correct. ये भाषा में सही होगा in terms of informal या फिर बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल सही है. लेकिन लिखित में आएगा तो फिर exam में गलत है. तो whose का इस्तेमाल मैं machine के लिए नहीं कर सकता, because machine एक object है, non-livings के साथ who नहीं आता. तो घुमा कर लिख लेते हैं, whose cost can be written as the cost obviously of which. तो I repeat, the machine, और इसके साथ आप लिख सकते हैं the cost of which is high, जो भी है, कम है, ज्यादा है, वो आप आगे मार्क कर दीजिएगा. मैं एक बार इनको वापस समझाना चाहूं, मे बी आपको नहीं समझ में आऊं, बट थोड़ा जल्दी. Probably अगर हम इसे देखना चाहें, whose name गलत है, dog के बगल में who नहीं आ सकता, गलत. बार बार कह रहा हूं, informal modern English में सही है. Whose three sides, triangle के लिए who और whose नहीं आ सकता, whom भी नहीं आ सकता. किसी house के लिए who और whom और which, who और whom और whose नहीं आ सकता. Machine के लिए who और whom और whose नहीं आ सकता. तो इनको घुमा कर लिख देते हैं, table's leg, leg of the table. House's roof, the roof of the house. Door's lock, I repeat, door apostrophe s lock, door non living है, apostrophe नहीं लगेगा. The lock of the door, door's lock या फिर the lock of the door can be written as whose name. So the name of which, the name of which, जिसका नाम. Whose sides, three sides, so the sides of which. Whose walls, the walls of which, जिसकी दीवारें, जिसकी sides, जिसका नाम. Similarly, whose cost, जिसकी कीमत, so the cost of which. बार बार कह रहा हूं, जो which है वो relative pronoun है, किसी noun के लिए. Dog के लिए which लिखा है, triangle के लिए which लिखा है, यहां पर house के लिए लिखा है, और यहां पर आपकी machine के लिए लिखा है. तो वापस conclude करना चाहूं, इन statements को भाषा allow करती है, modern English, but हमारी competitive English, यानी very formal style में allowed नहीं है. तो कभी exam में touch हो, ध्यान रखिएगा, किसी नॉन लिविंग के बगल में अगर हुज लिखा है तो वो सेंटेंस गलत है. हमें एरर मार्क करनी है तो बी आंसर क्लिक करके आगे बढ़िए. और कभी रिफ्रेजमेंट, रिफ्रेज करने आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने आया है, तो उनके पास ऑप्शंस में ये लिखा होगा, द वॉल्स ऑफ विच, द गार्डन ऑफ विच, जैसे छोटी सी लाइन शायद यहां नहीं लिखी, द हाउस. एक और एग्जाम्पल रखना चाहूं, द हाउस हुज गार्डन वॉज बिग वॉज सोल्ड यस्टरडे. आई रिपीट, द हाउस whose garden was big was sold yesterday. वो घर जिसका garden बड़ा था कल बेच दिया गया. तो जिसका garden, हिंदी में बढ़िया लग रहा है हमें, हिंदी ग्रामर मुझे नहीं आती, I'm sorry. English की formal style को छोड़ दें तो informal और modern English में सही है, the house whose garden, सही तो है, whose garden, common sense यही कहेगा, grammar ये कहेगी, house के लिए who नहीं लगाया जा सकता, house के लिए who नहीं लगाया जा सकता. तो साफ लिखिए ना, the house, the garden of which, the garden of which, which किसका, उस house का, the house, the garden of which was big, जिसका garden बड़ा था, was sold yesterday. आप इन्हें लिख सकते हैं, screenshot ले सकते हैं. So after all these examples with basic and advanced level, finishing all these four relative pronouns here, relative pronouns और भी होते हैं, आगे videos में देखेंगे, बट प्लीज इन चार शब्दों का ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्रोनाउन पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें. कई बार कहा, आरसी, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू, इन चार शब्दों को ऐसे ही ध्यान रखें. बार बार कह दिया, शायद आपको मेरे थ्रू ही याद हो जाए. हु सब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमन्स, हुम ऑब्जेक्टिव केस फॉर ह्यूमन्स, विच फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स, और इंसानों के लिए. जी हाँ, चॉइस के केस में इंसानों के लिए भी विच ही इस्तेमाल होता है. माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है. और चौथा, जो इस वीडियो में हमने पढ़ा, यूज ऑफ हुज. जब मुझे सब्जेक्ट दिखाना था, हु का इस्तेमाल किया. जब मुझे ऑब्जेक्ट दिखाना था, मैंने हुम का इस्तेमाल किया. बट अगर मुझे उसका पोजिशन दिखाना हो, उसका हक दिखाना हो, किसी बात पर उसकी ओनरशिप दिखानी हो, तो वहां पर हमेशा हुज का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यूज ऑफ दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश. टिल देन स्टे कनेक्टेड. कपिलदेव शर्मा, इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, माय यूट्यूब चैनल, एंड फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. दिस इज कपिलदेव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा. थैंक्स अ लॉट.